हेलो गाइस, आज हम लोग बनाएंगे मैक्रोनी राइस। और ये मैंने मैक्रोनी बॉईल करके रख लिया है। ये खाने में बहुत टेस्टी और यम्मी होता है, बच्चे इसको बड़े चाव से खाते हैं। और ये रहा राइस, जो कल की राइस है। गाइस ये याद रखें कि ये आपस में चिपका हुआ ना हो। ये मैंने गार्लिक कट करके रखा हुआ है, छोटी 6-7 कलियां हैं, मिर्च और प्याज। इसका साइज आप देख लीजिए, छोटा बड़ा कुछ भी चलेगा। और ये कैप्सिकम है, टमाटर है, टमाटर का जो बीज है उसे आपको निकालना पड़ेगा, मैंने भी इसे निकाला हुआ है। और ये बीन्स, वेजिटेबल और आप ऐड कर सकते हैं, गाजर है, धनिया है, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था। ये लोहे की कढ़ाई है और मैंने इसमें वेजिटेबल ऑयल डाला है 2 स्पून। मेरी फैमिली बड़ी है इसलिए 2 स्पून ऑयल है, आप 1 डाल सकते हैं। जो इस तरह की फूड होती है वो लोहे की कढ़ाई में ही अच्छी होती है, या फिर नॉन स्टिक बर्तन हम लोग यूज कर सकते हैं। ऑयल गरम होने लगा है तो सबसे पहले हम इसमें गार्लिक को डाल देंगे। गार्लिक हल्का सा जब ब्राउन होने लगे उसके बाद हम चेक करेंगे। अब हम प्याज डाल देंगे। इसे हल्का सा ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे, हल्का सा ब्राउन। गाइस बच्चों को बहुत पसंद होता है ऐसा फूड, और फिर इसमें राइस भी है। हमारा प्याज हो गया है, अब हम बाकी वेजिटेबल्स धीरे धीरे करके ऐड करते जाएंगे। टमाटर को छोड़ के बाकी वेजिटेबल्स को अभी डालना होगा। और ये रही हरी मिर्च। मैं डाल रही हूँ अजीनोमोटो, ये आपको 1/2 स्पून, बिल्कुल 1/2 स्पून ही डालिए। ये जो इस तरह के फूड होते हैं उसमें बहुत ज़रूरी होता है, स्वाद भी देता है। और उसके बाद नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। और ये जब अच्छी से फ्राई हो जाए तब तक इसको पकाइए। ये देखिए ये ऑयल छोड़ने लगा है, ये फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे उबली हुई मैक्रोनी।
ये पकी हुई चावल है, ये आपस में चिपकी हुई ना हो इतना आप ध्यान रखें। उसके बाद मिर्च, हमने हरी मिर्च भी डाली हुई है इसलिए इसे थोड़ा कम ही डालेंगे। उसके बाद धीरे धीरे इसे आप मिक्स करते जाइए। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है। आपके बच्चे, आप इसे बहुत पसंद करेंगे। आप जरूर जरूर इसे घर पर बनाइए। बहुत इजीली ये घर पर रेडी हो जाता है और बहुत जल्दी। इसके बाद हम इस पर ऐड करने जा रहे हैं विनेगर। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 स्पून विनेगर। ये स्वाद भी बढ़ाएगा और इन्हें चिपकने भी नहीं देगा। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। सोया सॉस भी मैं इसमें 1 स्पून के करीब ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से देखिए, किसी को डार्क कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करिए। अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर। टमाटर लास्ट में इसलिए कि मैसी सा ना हो जाए। ये हमारी मैक्रोनी राइस रेडी है। गैस को करेंगे ऑफ और हम इसे करेंगे सर्व। आप यहीं से सर्व कीजिए, बॉल में डालिए, पर खुश रहिए, हैप्पी रहिए। तो दोस्तों, आप जरूर घर में ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कैसा बना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।